ऑफ मनी ही थी, वही सेम कॉन्सेप्ट था उसमें, मतलब कोई चीज़ नहीं थी। तो उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गया होगा, बेसिक समझ में आ गई होंगी इसकी। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, इसमें थोड़ा सा ना ये वो मेरे से थोड़ा सा एरर हो गया था, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ये एक है नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ का, जी इसमें सिंडर कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ, अर्निंग डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 15% ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 13% फॉलोइंग ईयर एंड एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 6% ड्यूरिंग ईयर 4 एंड देयर आफ्टर। इट्स लास्ट डिविडेंड वॉज 1.15 एंड इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। आप लोगों को एक तो बता दिया गया इस क्वेश्चन में, G1 बताई गई है। G1 है आपके पास कितनी, इनिशियल ग्रोथ ग्रोथ रेट कितनी है आपके पास? वर्क जी 15% है। जी सर देन इसके बाद आपको G2 बताई गई है, G2 कितनी है आपके पास? 13% है, ये आफ्टर 2 ईयर्स होगा। फिर इसके पास बाद कॉन्स्टेंट ग्रोथ है G3, वो कितनी है? 6%। ठीक हो गया। जी इसके सर अलावा आपको लास्ट डिविडेंड बताया गया D0, D0 कितना है आपके पास? $1.15 है। ठीक हो गया। और आपको RS बता दिए गए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये है आपके पास 12%। ठीक हो गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करने के लिए आपको इसकी टाइमलाइन, जिस तरह मैंने आपको हमेशा गाइड करते हुए टाइमलाइन बना लिया करें ताकि क्लैरिटी आ जाए इसमें। अब आपके पास पीरियड्स है 1, 2, 3 एंड 4, चार पीरियड्स हैं आपके पास। ईयर 1 है, ईयर 2 है, 3 है और 4। और ठीक हो गया। 0 पीरियड पे अभी आप राइट नाउ मौजूद हैं, और यहाँ पे जो आपको डिविडेंड दिया गया है 0 पीरियड पे, वो कितना दिया गया है? $1.15। ठीक है, जो ईयर 1 का ग्रोथ रेट है वो कितने है? 15% है, 1.3 जी सर 15% ग्रोथ है रेट ईयर जो 1 का। फर्स्ट जी, जी ईयर सर टू का भी ग्रोथ रेट कितने है? 15% है। जी और सर ईयर 3 का ग्रोथ रेट है 13%, ये 13% आ जाएगा, 13 और ईयर 4 का ग्रोथ रेट है 6 6%। और ये जो 6% का ग्रोथ रेट है ये कॉन्स्टेंट है ऑनवर्ड। ठीक हो गया बेटा। जी जी सर कॉन्स्टेंट ऑनवर्ड्स जी, अब आपके पास डी नॉट तो गिवन है 1.15, डी 1 आपको नहीं पता, डी 2 आपको नहीं पता, डी 3 आपको नहीं पता और डी 4 भी आपको नहीं पता। ठीक है, अब आपने सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक टुडे। जब आपको आज के दिन स्टॉक की यानी पी नॉट आपने फाइंड आउट करनी है, पहले जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? पी नॉट पी नॉट फाइंड आउट करनी है, वो आपके पास अननोन आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले, चूंकि नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो फ्यूचर के डिविडेंड भी पता होने चाहिए। डी नॉट आपके पास गिवन है तो डी वन आपके पास क्या हो जाएगा? D नॉट इंटू 1 प्लस G। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? 1.15 इंटू ये G1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर की बात करें। 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15, ये समझ में आ गई। 1.15 दोबारा कैसे आया? ये 1 प्लस 0.15 है बेसिकली, 1.15 आ गया सर 0.15 है जी सर। ठीक है ना, ये D1 आ गया। इसी तरह D2 आप कैसे निकालेंगे? D1 into 1 plus G। D1 जी आपके जी पास ये जो पूरी भी फाइंड आउट होगा इक्वेशन आ गई उसको जी आप सर 1.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह लास्ट क्लास में किया था। इसी तरह जी जब आप सर D3 पे आएंगे तो D2 into D3 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? वही पूरी D2 इक्वेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेकिन अब बात ये कि D2 के लिए, D3 के जब आप बात करें थर्ड ईयर के डिविडेंड के लिए, तो अब आपके पास ग्रोथ रेट क्या आ जाएगा? G2। जी टू ठीक है, का ऊपर दोनों के लिए G1 आएगा और नीचे के लिए आपके पास ग्रोथ रेट जो है वो क्या आ जाएगा? G2 आ जाएगा। ठीक ठीक है, सर इसमें आप जो भी आपका डिविडेंड फाइंड आउट होगा, लास्ट क्लास में हमने फाइंड आउट किया था व्हाट्स एवर, इसको आप D2 को 1.13 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद बारी आ गई D4 की। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होती थी लास्ट क्लास में, D4 में आपके पास तो ग्रोथ रेट ही 6% का चल रहा है, बस मैंने गलती से 1.13 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो उसमें क्या होगा, आपका जो भी D3 फाइंड होगा आउट होगा उसको आप 1 प्लस G3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि D3 का जो भी आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.06। जी सर ठीक है, अच्छा।
इसमें क्या होगा, अब आपके पास एक तो डी वन कैलकुलेट हो जाएगा, डी टू कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास, डी थ्री हो जाएगा और डी फोर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि आपके पास जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज आ रही हैं उसमें जब तक नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो आपको क्या चाहिए, उनकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे भी नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ है, यहाँ पे आपको इसकी डी वन की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी, देन डी टू पे भी नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ है और डी थ्री पे भी क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ है। ठीक है, इस डी थ्री के बाद आपके पास क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ आ रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पी थ्री बेसिकली चाहिए। ठीक है, पी थ्री क्या क्यों चाहिए, पी थ्री आपको चाहिए कि थर्ड ईयर के ऊपर आपके इस शेयर की क्या प्राइस होगी। तो उसका क्या फार्मूला है, पी थ्री इज इक्वल टू डी फोर, इसके बाद चूंकि कॉन्स्टेंट ग्रोथ आ गई तो क्या हो जाएगा, आर एस माइनस जी। ठीक है, तो जो भी डी फोर आप इसमें फाइंड आउट करेंगे, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, बारह जो भी डी फोर आप इसमें फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें उसको आर एस माइनस जी जो आपका रिक्वायर्ड रेट रिटर्न है उसमें से ग्रोथ रेट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी थर्ड ईयर की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, आपके पास जो भी पी थ्री आएगी उसकी भी आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। जब ये सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेंगे ये सब के साथ, तो इन दोनों को सबको ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, बनेगी आपके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू जो के कहलाएगी पी नॉट, यानी जीरो पॉइंट के ऊपर आपके इस शेयर की क्या प्राइस है। वो कैसे वर्कआउट होगी, वो शुरू में आप डी वन निकालेंगे, डी वन के लिए आपके पास 15% ग्रोथ रेट है, डी टू के लिए 15% ग्रोथ रेट है, डी थ्री में 13% है और डी फोर के लिए 6%। ठीक है, 6% डी फोर के लिए जो लास्ट टाइम में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी कि मैंने गलती से 1.13 भी कैलकुलेट करवा दिया था, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा, 1.13 नहीं आएगा, थर्ड ईयर का ग्रोथ रेट जो है ना वो तो 13% है, लेकिन थर्ड ईयर के बाद 6% पे आपके पास ग्रोथ रेट जो है ना वो चल रहा है, तो जी थ्री जो है 6% आप यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन मैंने की है, मैं आपको स्लाइड वो शेयर भी करवा दूंगा और दिखा भी दूंगा। ठीक है सर, तो बेसिकली जब आप ईयर वन की बात करेंगे ईयर में आपके पास जो है ना डी वन इंटू 1.15 आएगा, 1.3225 आएगा डी वन, डी टू जो है 1.3225 इंटू 1.15 आएगा, डी थ्री ये भी पहले ऐसे ही कैलकुलेट हुआ था 1.7186 था, लेकिन डी फोर जो है वो आपके पास क्या होगा 1.8217 डी थ्री इंटू 1.06। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि आपने इन सब की डी वन डी टू और डी थ्री जो तीन डिविडेंड्स थे फ्यूचर कैश फ्लो स्ट्रीम्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर 1.12 के ऊपर। ठीक है, तो 1.1808 आ गया आपके पास डी वन की प्रेजेंट वैल्यू, 1.21 डी टू की आ गई, 1.22 डी थ्री की आ गई। अब फाइनली आपने स्टेप में क्या करना है, आपने पी थ्री फाइंड आउट करना है, पी थ्री के लिए आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड चाहिए, वो आपने ये फाइंड आउट कर लिया 1.8217 डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस 0.06, तो आपके पास पी थ्री आ गई 30.3617। यानी कि अगर कॉन्स्टेंट ग्रोथ इस फर्म की हो जाती है आफ्टर थर्ड ईयर तो आपके पास जो शेयर की वैल्यू थर्ड ईयर में बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 30.3617 फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। अब आपने क्या करना है, इस थर्ड ईयर के शेयर को भी आपने इस 1.12 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर डिस्काउंट कर लेना, $21 की वैल्यू आ जाएगी, तो पी नॉट आपकी क्या बन जाएगी, पी नॉट आपकी बन जाएगी 25.2275। ठीक है जी। अच्छा, अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बेसिकली कैलकुलेट पी वन एंड पी टू। अब इसमें भी थोड़ा सा एक लास्ट टाइम मुझसे गलती हुई कि मैंने इसमें आपको जो पी वन पी जीरो कैलकुलेट की थी मैं उसी से आपको आगे लेके चल रहा था। इसमें चूंकि नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ है, अब हमारे पास बेसिकली आप देखेंगे आपके पास फ्यूचर की कैश फ्लो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई है। ठीक है ना, आपको डी वन का भी पता है, डी टू का भी पता है, डी थ्री का भी पता है, पी थ्री ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आपके पास, तो पी वन और पी टू आपने कैलकुलेट करनी है। तो P1 और P2 कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास जो फार्मूला होगा P1 के लिए, अब आपके पास क्या होगा, D2 over 1 plus R, यानी कि आप पॉइंट जो 2 है ईयर 2 है वहां पे आ गए, तो D2 over 1 plus R plus D3 over 1 plus R square plus P3 over 1 plus R square, यानी कि आप
पॉइंट वन जो है ना, ईयर वन जो है इसको ईयर जीरो कंसीडर करेंगे, और इसके बाद वाले ईयर को वन और फिर टू नेक्स्ट ईयर को कंसीडर करेंगे, तब आप ईयर वन के ऊपर शेयर की वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे वही काम हो रहा है, आपने क्या कर लिया, ये तो वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट की हुई थी, डी टू भी आपको पता था, डी थ्री भी आपको पता था, ये चीज़ें तो अनचेंज रहेंगी, लेकिन जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगी, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो आप एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे थे, जो पावर यूज़ कर रहे थे, वो यहाँ पर आप बेसिकली क्या होगी, चूँकि आप पी वन फाइंड आउट कर रहे हैं, आप किस पॉइंट के ऊपर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट टाइम तो आपको स्क्वेयर यूज़ करना पड़ा था, अभी आप क्या करेंगे, स्क्वेयर यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सर यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा ये पी थ्री के नीचे जो है, इसको भी अभी मैं आपको पाइप उससे टाइमलाइन से बताने लगा कि अभी ये देखो आपके पास बेसिकली चार ईयर की टाइमलाइन थी ना, जीरो वन, जी सर चार थी, थ्री फोर, आपके पास आपने फाइंड आउट क्या करनी है, पी वन यानी इस पॉइंट के ऊपर आपने प्राइस फाइंड आउट करनी है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, वो कितने पीरियड के लिए डिस्काउंट होगी, डी टू जो है वो कितने पीरियड के लिए डिस्काउंट होगी, एक पीरियड के लिए, और डी थ्री और पी थ्री कितने पीरियड के लिए डिस्काउंट होगी, दो पीरियड के लिए सर, दो पीरियड के, ठीक है। तभी यहाँ पर जो स्क्वेयर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास अभी डी टू और डी थ्री को डिस्काउंट करने के लिए आपको दो पीरियड चाहिए, दो पीरियड जी, ठीक है ना, तभी आप स्क्वेयर आ रहा है, क्यों इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पी टू पूछा था, अब पी टू के अंदर आपके पास यही अगर टाइमलाइन आपके पास हो, तो टाइमलाइन क्या है आपके पास, ये थी जीरो वन टू थ्री और फोर, अब आपने फाइंड आउट क्या करनी है, डी टू फाइंड आउट करनी है, ये भी खत्म होगी, ये भी खत्म होगी, अब आपके पास सिर्फ दो कैश फ्लो रह गई है, जो कि एक डी थ्री है जो थर्ड ईयर का डिविडेंड है, और एक पी थ्री है, दो चीजें हैं इनको आपने डिस्काउंट करना है, तो ये कितने पीरियड के लिए डिस्काउंट होंगी, ओनली वन पीरियड, ठीक है, क्योंकि आपने पी टू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए यहाँ पर अब स्क्वेयर भी खत्म हो जाएगा, आप इसको वन प्लस आर एस से सिंपल डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इस शेयर की सेकेंड ईयर की क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, अब आपके पास पी वन भी आ गया, पी टू भी आ गया, पी थ्री आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली हुई है, चूंकि कॉन्स्टेंट ग्रोथ मेथड का 30.3617 आ रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा था कि इसकी डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड बताएं, अब ईयर वन को जो डिविडेंड यील्ड है वो क्या होगी, डी वन जो फ्यूचर में आपको डिविडेंड मिलना है प्लस करंट प्राइस, ठीक है, जो आपने फाइंड आउट की है उसको आपने जो डिविडेंड आपको डी वन में आपने कैलकुलेट किया था उससे डिवाइड करेंगे, तो 5.24% आपके पास इसकी डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। इसी तरह कैपिटल गेन यील्ड क्या होगी, पी वन माइनस पी नॉट ओवर पी नॉट, तो पी वन आपने फाइंड आउट कर लिया, पी नॉट आपने फाइंड आउट किया था फर्स्ट पार्ट में, और तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे तो 6.76% आ जाएगा, और इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल रिटर्न, तो टोटल रिटर्न कितनी बन रही है, 12% 5.24 और 6.76% को जमा करें तो क्या बन जाएगी, 12%, ये 12% क्या है, 12% ये सर यील्ड है, टोटल रिटर्न है, सॉरी ये टोटल रिटर्न है, लेकिन ये ऊपर क्वेश्चन में भी आपको गिवन है, ये क्या है आपके पास, ये आपके क्वेश्चन का बी चेक है, आपके पास ये गिवन है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% है, तो इसका आंसर जो है डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड का ये आना चाहिए हमेशा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल, ठीक है ना, तो सेकंड ईयर में भी जो आपने कैलकुलेशन की है वो आपने नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड यूज किया और पी वन यूज की, इसी तरह पी टू माइनस पी वन ओवर पी वन यूज की, और जो भी आंसर है इनको जमा किया तो फिर 12% आ गई, फाइनली भी आपके पास तीनों का 12% आ रहा है, तीनों का 12% आपके पास टोटल रिटर्न आएगी, टोटल रिटर्न 12% क्यों आ रही है, क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही 12% है, इसलिए ये दोनों आपके पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए ये कंडीशन भी होगी हमारे पास के सेम आना चाहिए आंसर करेक्ट होने के लिए, सेम आना चाहिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और टोटल रिटर्न जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 9-1 है आपके पास, वेस्टर्न कॉर्पोरेशन जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ $1 अ शेयर, जस्ट पेड यानी कि पे कर चुकी है, अब जब कर चुकी है तो ये बेसिकली क्या आपके पास नॉन डिविडेंड है, ये डी नॉट है, द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 12% अ ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स एंड देन एट 5% अ ईयर देयर आफ्टर,
व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. बेसिकली आपने क्या करना है, आपने 3 ईयर्स के लिए 12% के ऊपर अपने डिविडेंड को ग्रो करना है, और इसके बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है उसके लिए आपने क्या करना है, अपने शेयर को 5% पे ग्रो करना है डिविडेंड को. तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर का डिविडेंड आ जाएगा. कोई प्रेजेंट आपने वैल्यू नहीं निकालनी, इसने कोई कुछ नहीं आपसे पूछना. उसने सिर्फ ये पूछा है कि डी नॉट आपको गिवन है, डी वन से लेकर डी फाइव तक आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9-2. Tresnan brother is expected to pay a $1.8 per share dividend at the end of year one. अब ये देखें, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें. Expected to pay, ठीक है, अभी पे किया नहीं है, ठीक है ना. जब expected to pay है तो ये जो है already paid नहीं है, ये आगे future में pay होगा. तो ये D not नहीं है, ये क्या है आपके पास, D1, ठीक है. The dividend is expected to grow at a constant rate of 4% per year. The required rate of return on the stock is RS is 10%. What is the stock's current value per share? इसमें आपने simple constant growth model use कर देना है. D1 आपको given है, ठीक है ना. D1 divided by RS minus G. RS 10% है, G 4% है. तो आपके लिए कोई इस question को solve करने में problem नहीं होनी चाहिए. Simple वही formula लगाकर आपने इसको constant growth वाला formula लगाकर आपने इसको solve करना है, ठीक है. जी सर. चलिए नेक्स्ट है 9-3. कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन का ही ये भी क्वेश्चन है. हॉल्समैन क्लोजियर स्टॉक करंटली सेल्स फॉर $38 अ शेयर. इट जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर. एक शेयर है जो कि करंटली कितने का सेल हो रहा है, $38 का. इट जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर, यानी कि पे कर चुकी है. अगेन ये मैं आपको फोकस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको वर्डिंग पढ़ के कंप्रीहेंड कर सकें कि जो डिविडेंड जिसकी बात हो रही है ये फ्यूचर का डिविडेंड है या पास्ट का डिविडेंड है. ये करंट डिविडेंड की बात हो रही है, पे हो चुका है, नोन है, ठीक है ना. तो ये डी नॉट है. द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5% पर ईयर. व्हाट स्टॉक प्राइस इज एक्सपेक्टेड 1 ईयर फ्रॉम नाउ. व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, लेकिन ये कि इसको जस्ट आपको एक बार मैं सॉल्व करवा देता हूँ. जी, इस क्वेश्चन में बेटा बताया गया है कि एक फर्म है जिसने जिसका स्टॉक सेल हो रहा है कितने में, $38 पे. यानी कि गिवन के आपके पास, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, गिवन है आपके पास पी नॉट कितनी है, पी नॉट 38, ठीक है. इसके बाद डी नॉट भी इसने बता दिया, डी नॉट कितना आपके पास $2 का, ठीक है. इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट आपको बताया गया है, कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है 5% का, ठीक है. अब आपके पास गिवन क्या चीज, इसके अलावा क्या चीजें रह जाती हैं. अगर आप कांस्टेंट ग्रोथ का मॉडल देखें तो आपको आरएस पता होना चाहिए. आरएस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. और इसके अलावा उसने आपसे क्या पूछा है, जी इसके अलावा आपसे उसने पूछा है पी1 भी बता दो, ठीक है. जी. अब सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो उसने ये किया था आपसे कि व्हाट इज द स्टॉक प्राइस एक्सपेक्टेड 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है. अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने गिवन है, अगर आपने एक साल के बाद की स्टॉक प्राइस निकालनी हो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे निकलेगी. सिंपल मेथड जो है, सिंपल मेथड क्या है, पी नॉट सॉरी पी वन डिवाइडेड इज नहीं पी नॉट वन इज इक्वल टू पी नॉट इनटू 1+ जी 1+. अगर कांस्टेंट ग्रोथ मेथड है तो ऐसे निकलेगी पी नॉट इनटू 1+g. और इसका कम्प्लेक्स फार्मूला क्या है, पी वन इज इक्वल टू डी टू डिवाइडेड बाय आर एस माइनस जी. पी नॉट का क्या फार्मूला होता है, पी नॉट इज इक्वल टू डी वन ओवर आर एस माइनस जी. यही फार्मूला होता है जी. अब आपने जब एक साल आगे जा रहे हैं तो अगर आपने प्राइस पी नॉट से पी वन पे चले गए तो जो डिविडेंड है वो ईयर वन से कहां पे चला जाएगा, ईयर टू पे. बाकी डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम रहे, ठीक है. अब आपके पास सिंपल फार्मूला आप यूज करते हुए एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल सकते हैं. पी वन आपके पास कितनी बन जाएगी, पी नॉट कितनी है 38 इंटू 1+0.05. एक साल के बाद का डिविडेंड निकालना है,
तो कितना बन जाएगा जी, 39.9 डॉलर इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बन जाएगी वन ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट इसने पूछा है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आरएस आपने फाइंड आउट करना है। ये फार्मूला आपको नजर में नजर आ रहा होगा, पी नॉट इनटू आरएस माइनस जी, सॉरी माइनस जी। अब आपके पास इसी में चेंजेस क्या क्या गिवन है जी, जी इसमें चीजें क्या क्या गिवन है। डी1 आपको गिवन है? नहीं सर, इसमें डी1 फाइंड आउट करना, D1 फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है ना। D1 का फार्मूला बेसिकली क्या है, P नॉट इज इक्वल टू D1 फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, D नॉट इनटू 1 प्लस G। जी सर यही होता है ना, डिवाइडेड बाय RS माइनस G। अब अगर आप इस फार्मूले को फर्दर लेके चले तो P नॉट इनटू RS माइनस G हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस G हो जाएगा। ठीक है, पी नॉट, हाँ आप रीअरेंज कर सकते हैं। बहरहाल अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ तो पी नॉट आपके पास 38 है, डी नॉट आपके पास 2 है, 2 इंटू 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय आरएस कितना है, अननोन है, और जी आपके पास क्या है, 0.05। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आरएस के लिए तो आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का आंसर इसको सॉल्व करने के बाद वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, अच्छा हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नॉन कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन। ठीक है, थोड़ी सी इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई नहीं थी, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ये, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में है क्या क्या गिवन।12%। ठीक है, अच्छा इसके बाद दो थ्योरेटिकल, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाउ फार अवे इज द होराइजन डेट। ठीक है, होराइजन डेट बेसिकली कौन सी डेट होती है, व्हेन योर नॉन कांस्टेंट पीरियड कन्वर्टेड टू कांस्टेंट पीरियड। ठीक है, जब भी आपका ग्रोथ रेट जो है वो नॉन कांस्टेंट से कांस्टेंट होता है तो उस डेट को क्या कहा जाता है, होराइजन डेट कहा जाता है। ठीक है, तो इस स्टॉक की होराइजन डेट कब होगी, 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस क्वेश्चन का, समझ में आ गई है ना सबको बच्चों? जी सर। अच्छा, इसके बाद इट एक्सपेक्ट टू हैव अ नॉन कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ 18% फॉर 2 ईयर्स फॉलोड बाय अ कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ 6% देयर आफ्टर द फर्म रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइमलाइन बना लेंगे, टाइमलाइन इसकी देख लेते हैं क्या बनेगी। अच्छा जी, आपके पास ईयर कितने बन रहे हैं, 2 साल के बाद तीसरे साल जो है आपके पास क्या आ रही है, कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट ईयर ग्रोथ कितनी है आपके पास, 18% की। सेकंड ईयर ग्रोथ कितनी है, सेकंड ईयर 18% 6% है क्या ग्रोथ है, 6%। ठीक है, अब आपको डी नॉट तो गिवन है। ठीक है, डी नॉट से आप D1 फाइंड आउट कर सकते हैं। जी जी, D1 जब आप फाइंड आउट हो जाएगा तो D1 को से आप D2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और D2 से D3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन D3 के लिए आपके पास जो रेट आएगा वो क्या आएगा, वो 6%। डी नॉट के लिए क्या करेंगे, D1 के लिए आप क्या करेंगे, डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1.18। D2 के लिए क्या करेंगे, D1 मल्टीप्लाई बाय 1.18, लेकिन D3 के लिए आप क्या करेंगे, 2 × 1.06। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या होगा, बेसिकली 3 ईयर्स के डिविडेंड आ जाएंगे। लेकिन ये थर्ड ईयर का डिविडेंड फाइंड आउट करने का अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है। पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये
कि आपने P2 फाइंड आउट करना है, इसलिए आप थर्ड ईयर का डिविडेंड कैलकुलेट, और जब आप P2 फाइंड आउट कर लेंगे तो इन जो कैश फ्लोज आपके पास हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी स्टॉक की सॉरी इस स्टॉक की इस प्राइस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू या प्राइस टुडे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फर्म्स होराइजन और कंटिन्यूइंग वैल्यू, ठीक है। होराइजन डेट तो आपको समझ में आ गई ना, प्रेजेंट डेट कौन सी डेट होती है, जब आपका स्टॉक नॉन कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट पीरियड में कॉन्स्टेंट ग्रोथ में मूव करता है, ठीक है। तो होराइजन रेट क्या होता है कि जब आपका रेट जो स्टॉक की ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंट होती है उस वक्त जो रेट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है होराइजन होराइजन रेट या होराइजन वैल्यू या कंटिन्यूइंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड ईयर पे हो रही थी आपकी होराइजन डेट, तो सेकेंड ईयर जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, होराइजन होराइजन वैल्यू, ठीक है। यानी पी टू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है, और पी नॉट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया, मैं दिखा देता हूँ, अच्छा सबसे पहले वही जो थ्योरेटिकल चीजें इसमें कवर है, होराइजन डेट कौन सी होती है, होराइजन वैल्यू आपको मैंने बताया था कि P2 आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है, P2 के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, D3 चाहिए आपको, RS आपको गिवन है क्वेश्चन में और G भी गिवन है, ठीक है ना। तो D0 आपको पता था, G1 भी पता था और G2 भी पता था, D1 आपने कैसे निकाला, D0 into 1 plus G1 करके, ठीक है, 1.18 जैसे मैंने आपको बताया था, 3.24 आ गया, 5 आ गया, D2 जो आपने क्या किया, D1 को 1 plus G1 से मल्टीप्लाई किया तो 3.82 आ गया, और D3 बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, 4.06, ठीक है। 4.06 के लिए यहाँ पर आपने ग्रोथ रेट जो यूज किया वो कौन सा यूज किया, D3 के लिए कौन सा ग्रोथ रेट है, ये सब D3 का है, ऊपर क्या था, कांस्टेंट है, D3 का कांस्टेंट है और ऊपर जो है वो आपके पास सुपर नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, सुपर नॉर्मल जी। अब आपने P2 फाइंड आउट करना है, P2 के लिए आपने D3 भी फाइंड आउट कर लिया, D3 आपके पास आ गया है, RS आपको क्वेश्चन में गिवन है, G भी क्वेश्चन में गिवन है, जी जी, तो P2 आपके पास क्या आ जाएगा, 67.65, यानी इस शेयर की सेकंड ईयर पे जाके क्या प्राइस बन जाएगी, $67.65, और ये जो प्राइस है ये क्या कहलाएगी, होराइजन वैल्यू, ठीक है। यानी कि जब आपके शेयर कांस्टेंट ग्रोथ में जाएगा तो उस वक्त की जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वो होराइजन वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसने सवाल पूछा था कि व्हाट इज द स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू पी नॉट टुडे, आज इस स्टॉक की क्या प्राइस है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, डी नॉट आपको गिवन है, जी वन गिवन है, जी टू आपको गिवन है, RS given है, वही मेथड जो पहले हम यूज करते आए हैं, आपने क्या किया, आपने वही D1 फाइंड आउट किया, D2 फाइंड आउट किया, D3 फाइंड आउट किया, और आपने क्या किया, D1 और D2 दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और P2 जो आपने फाइंड आउट पहले कर चुके हैं जो आपकी होराइजन वैल्यू है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, इन तीनों को ऐड किया, तो आपके पास इस शेयर की आज वैल्यू क्या आ रही है, $59.88, ठीक है, इस शेयर की आपकी वैल्यू क्या आ रही है, $59.88, जो के दो साल के बाद कितनी हो जाएगी, $67.65, इस ग्रोथ रेट को जो गिवन ग्रोथ रेट है उसके मुताबिक, समझ में आ गई बच्चों, उसकी होराइजन वैल्यू आ जाएगी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है ना। होराइजन वैल्यू अगेन आपके जहन में होना चाहिए कि होराइजन वैल्यू कौन सी वैल्यू है, जब आपके स्टॉक की ग्रोथ सुपर नॉर्मल से कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट होगी, वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड का जो वैल्यू आपके स्टॉक की होगी वो होराइजन वैल्यू है, ठीक है ना, जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 9-6 है, इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है पर सिंपल सही है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन है, इसमें गिवन है फेयरली इनकॉर्पोरेशन एज अ परपेचुअल प्रेफर्ड स्टॉक आउटस्टैंडिंग दैट सेल फॉर $30 अ शेयर एंड पेज अ डिविडेंड ऑफ 2.75 एट एंड ऑफ ईच ईयर, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, गिवन क्या क्या है आपको, इसमें पी नॉट बता दिया गया $30 है, डी नॉट आपको बता दिया गया 2.75 है, आर एस अननोन, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय आर एस, ठीक है, जो आपका डिविडेंड डी नॉट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड आपका प्रेफर्ड स्टॉक में हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है,
पी नॉट भी गिवन है आपको और डी नॉट भी गिवन है, आर एस गिवन नहीं है। आर एस के लिए अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला को तो आपके पास 9.17% आ जाएगी। आर एस के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, डी नॉट ओवर पी नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी अल्टीमेटली, आपके स्टॉक की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, नहीं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा आर एस। ठीक है बेटा, अच्छा जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक और प्रेफर्ड स्टॉक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ईयरली कॉर्पोरेशन परपेचुअल स्टॉक विद एन 8% एनुअल डिविडेंड, द स्टॉक करेंटली यील्ड 7% एंड इट्स पार वैल्यू इज $100। एक स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक है, इसकी पार वैल्यू $100 है। ठीक है ना, अब ये जहन में रखिएगा आप कि जब आप प्रेफर्ड स्टॉक की बात कर रहे हैं और पार वैल्यू आप लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ पे सुना था, बॉन्ड पे सुना था, याद है ना आप लोगों को, बॉन्ड की पार वैल्यू होती है। इसी तरह जब प्रेफर्ड स्टॉक इशू होते हैं तो प्रेफर्ड स्टॉक की भी पार वैल्यू होती है और जो डिविडेंड होता है उसकी पार वैल्यू पे एट टाइम्स फिक्स होता है। ठीक है ना, अब इसका 8% एनुअल डिविडेंड फिक्स है पार वैल्यू पे, यानी कि $100 के ऊपर अगर 8% डिविडेंड है तो क्या आपके पास डिविडेंड पर शेयर बन जाएगा, कितना बनेगा, पार वैल्यू 100 है, एनुअल डिविडेंड 8% है, डिवाइड कर लेते सर इसको बेटा, 100 को 8% मल्टीप्लाई करेंगे ना मेरे बच्चे, पार वैल्यू 100 है ना, 100 का 8% $8 आपका एनुअल डिविडेंड इस शेयर का बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द स्टॉक करंटली यील्ड 7%, इसकी करंट यील्ड कितनी आ रही है स्टॉक की, 7% आ रही है, तो व्हाट इज द स्टॉक्स वैल्यू, इस वक्त स्टॉक की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है आपके पास, डिविडेंड गिवन है 8%, पार वैल्यू है और यील्ड गिवन है। सबसे पहले अब आपने क्या निकालनी है, स्टॉक की वैल्यू, तो स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए आपको डी नॉट पता होना चाहिए। डी नॉट आपने कैसे पता कर लिया, 100 मल्टीप्लाई बाय 8% करके। ठीक है, अब पी नॉट आपके पास स्टॉक की प्राइस फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको डिविडेंड भी पता चल गया क्या है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी इसमें गिवन है। ठीक है ना, कितना है, 7% करंटली यील्ड 7% है ना, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो इस शेयर की प्राइस क्या बन जाएगी, $114.29। ठीक है, जो शेयर प्रेफर्ड स्टॉक आपको $8 दे रहा है और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.07 है, तो $114.29 उसकी क्या बन जाएगी, प्रेजेंट प्राइस। अच्छा, सपोज इंटरेस्ट रेट्स राइज एंड पुल द प्रेफर्ड स्टॉक्स यील्ड अप टू 9%, व्हाट इज इट्स न्यू मार्केट वैल्यू। अब आपके पास क्या हुआ कि आपकी जो उसकी यील्ड थी पहले 7% थी, अब 9% होगी। ठीक है, तो अब वो पूछे न्यू मार्केट वैल्यू क्या, तो सेम फार्मूला यूज होना है। डी नॉट आपको पता है वो तो फिक्स है ना, वो $8 से चेंज नहीं होगा। आर एस पहले 7% था, वो अब कितना हो गया, 9% हो गया, तो 9% के ऊपर इसी स्टॉक की प्राइस क्या बन गई है, $88.09। ठीक है, समझ गए बच्चों, जी जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। इसके बाद इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिंपल सा ही है। इसमें बताया गया कि Amon Royal Aeronautics has a perpetual preferred stock outstanding with a par value of $100. The stock pays a quarterly dividend of $1 and its current price is 45. अब आपको बताया गया एक स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक है, जिसकी perpetual stock है, preferred stock है, जिसकी value है $100. Present value कितनी है, $100 है, और उसका stock का quarter dividend, quarterly dividend है $1. अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कोई वो तो नहीं बोला आप लोगों से, कोई थ्योरम श्योरम तो नहीं पूछा। क्वार्टरली डिविडेंड $1 है ना, तो ईयर का डिविडेंड कितना हो जाएगा, अगर एक क्वार्टर में $1 मिल जाए तो साल में कितने मिलेंगे, साल में क्वार्टर कितने होते हैं, हाँ जी $4 मेरे बच्चा, जी जी ठीक है, क्वार्टर में $1 मिल रहा है तो साल में कितने मिलेंगे आपको, $4 मिलेंगे। ठीक है ना, अब आपको ये पता चल गया कि डिविडेंड है गिवन है और करंट प्राइस गिवन है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, पार वैल्यू आपको पता है, पार वैल्यू का कोई यूजफुल हल नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं है आपको प्रेजेंट प्राइस पता है $45 है, क्वार्टरली डिविडेंड आपको पता है $1 है, $4 पर ईयर हो जाएगा, तो
तो आर एस के लिए आप इसी फार्मूले को क्या करेंगे जो आपके पास फार्मूला था प्रेफर्ड स्टॉक वाला, इसमें आप इसको रीअरेंज कर लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय आर एस के लिए क्या होगा, आर एस इधर चला जाएगा वीपी की जगह या जो भी है आपके पास पी नॉट की जगह, और जो है पी नॉट जो है वो डिविडेंड के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 45 तो 8.89 डॉलर आपके पास क्या आ जाएगा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, समझ गए बात। अब ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एक सेकंड पार्ट में से पूछा, इफेक्टिव एनुअल रेट तो उसका सिंपल सा फार्मूला था कि 1 प्लस नॉमिनल डिवाइड बाय एम रेज टू द पावर एम माइनस 1, ये फार्मूला देखा हुआ सर पहले भी। जी जी बिल्कुल ये देखा हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव एनुअल रेट, यानी कि जो स्टॉक आपको क्वार्टरली बेसिस पे 1 डॉलर दे रहा है उसका नॉमिनल रेट 8.89 बनता है, लेकिन जो इफेक्टिव एनुअल रेट है वो कितना बनता है, 9.19% बनता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये थोड़ा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल ये बताया गया कि मैक्सवेल माइनिंग कंपनीज और रिजर्व आर बीइंग डिप्लीटेड सो इट्स सेल्स आर फॉलिंग also because it pits is getting deeper each year its costs are rising as a result the company's earning dividend are declining at the constant rate of 6% per year if d not is equal to $3 rs is equal to 10% what is the value of maxwell mining stock ek hi mera hal hai bachcha respond kar raha hai baaki sare shay so gaye hain ya shamil nahi hai class mein pata nahi kya chakkar hai baharal iska growth rate kitna hai bachche इसका एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट ही दिया 6% का 6% है पर ईयर का दिया है इस सेंटेंस को और से नहीं 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 सर वो 10% दिया हुआ है आरएस है वो तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है एक मिनट सर मैं पढ़ता हूं मैक्सवेल माइनिंग और एज अ रिजल्ट के बाद पढ़ें एज अ रिजल्ट के बाद पढ़ें और फिर ये देख ग्रोथ रेट कांस्टेंट ग्रोथ डिक्लाइनिंग एट अ कांस्टेंट सर वो तो है नहीं डिक्लाइनिंग हो रही है डिक्लाइनिंग हो रही है लेकिन रेट आपको दिया गया ना 6% 6% रेट से डिक्लाइन हो रहा है कांस्टेंट रेट डिक्लाइन होने से क्या मतलब है इसका साइन क्या होगा इसका साइन क्या होगा 6% का 6% का साइन होगा नेगेटिव नेगेटिव है ना सर डिक्लाइन ग्रोथ तो है ही नहीं ये नहीं लॉस है लेकिन नेगेटिव है नेगेटिव ग्रोथ ठीक है ना नेगेटिव ग्रोथ है ग्रोथ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो होती तो ग्रोथ ही है ना ठीक है तो इसका ग्रोथ रेट गिवन है वो है -6% डी नॉट आपको $3 बता दिए गए ग्रोथ -6% है आर एस 10% है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सवेल माइनिंग स्टॉक कांस्टेंट ग्रोथ है ठीक है ना तो कांस्टेंट ग्रोथ के लिए कांस्टेंट आपका वही जो गॉर्डन मॉडल वो यूज होगा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में आप क्या करेंगे डी नॉट आपको गिवन है 3 आर एस 10% -6% तो पी नॉट क्या आ जाएगी 3 × 1 + -0.06 -6% ग्रोथ रेट है ना जी जी तो 1 प्लस माइनस 0.606 आ जाएगी और डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.06 यानी कि जो आपका डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर से क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा डिक्लाइन हो रहा है ना तो $3 से कितना हो जाएगा $2.82 हो जाएगा और जो आपका जो है ना आरएस माइनस आरएस प्लस ग्रोथ रेट जो है वो कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा तो इस स्टॉक की प्राइस क्या हो जाएगी 17.6 ठीक है तो ये आप लोगों को समझ में आ गई कि अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हो तब भी स्टॉक की कुछ ना कुछ प्राइस पॉजिटिव में मौजूद होती है जब आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ग्रोथ रेट है वो आरएस से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है आरएस से ज्यादा नहीं हो सकता ग्रोथ रेट लेकिन आरएस से कम हो सकता है समझ में आ रही है बात तो आरएस से कम मैंने माइनस आरएस से कम है माइनस सारे से कम है तो आपके पास आपके स्टॉक की कितनी प्राइस आ गई 17.63 डॉलर आ गई राइट ठीक है अच्छा इसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक पे अ डिविडेंड ऑफ $2.75 एट एंड ऑफ ईच ईयर दैट इज D1 मतलब के स्टॉक एक्सपेक्टेड टू पे है ठीक है पे किया नहीं है पे करेगा तो आपके पास ये डिविडेंड $2.75 है ये नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है शुड कंटिन्यू to grow at a constant rate of 5% per year if the required return is 15% what is the stock expected price 4 years from today ab isko agar aap dekhe to aapke paas timeline iski ye banti hai 0 point pe bhi aap nahi hai 1 point ke upar hai theek hai 1 point pe aapko kya bata diya gaya ki d1 2.75 hai theek hai g aapke paas kitne hai 5% hai theek hai na
और आपके पास क्या है, पूछा गया है कि 4 साल के बाद आपकी प्राइस स्टॉक की क्या बनती है। इसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है, दो मेथड है, या तो आप पी नॉट फाइंड आउट कर ले स्ट्रेट अवे, ठीक है ना, या पी नॉट फाइंड आउट डी से डी टू फाइंड आउट करें, फिर डी थ्री फाइंड आउट करें, फिर डी फोर फाइंड आउट करें, फिर इसके बाद आप डी फाइव फाइंड आउट करने के बाद पी फोर फाइंड आउट करें, ये फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है, बस गिवन है, तो क्या फॉर्मूला, डी वन जो कमिंग अपकमिंग डिविडेंड है डिवाइडेड बाय आर एस माइनस डी, तो आपके पास इस स्टॉक की प्रेजेंट प्राइस क्या आ जाएगी, 27.5 डॉलर, यानी कि इस स्टॉक की ईयर जीरो के ऊपर प्राइस कितनी बन रही है, 27.5 डॉलर, ठीक है। अब आपके पास चूंकि कॉन्स्टेंट ग्रोथ है, तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ में आपने क्या करना है, सिंपली अपने जो पी नॉट है उसको ग्रो कर देना है, उसको कंपाउंड कर लेना है ग्रोथ रेट के ऊपर। तो ग्रोथ रेट आपके पास गिवन है 5% का, तो पी फोर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 1 प्लस जी रेस टू दी पावर 4, 27.5 इंटू 1 प्लस 0.05 रेस टू दी पावर 4, तो 33.43 प्राइस बनती है फोर्थ पीरियड। दूसरा वे आपको क्या बताया था, जो मुश्किल तरीका है, मुश्किल तरीके से मुराद है कि लंबा तरीका है, उसमें ये है कि आप डी फाइव का जाएंगे और डी फाइव फाइंड आउट करने के बाद आप पी फोर फाइंड आउट करेंगे, पी फोर का क्या फार्मूला है, डी फाइव डिवाइडेड बाई आर एस माइनस जी, चलिए आप डी फाइव तक ना भी जाएं तो पी फोर के ऊपर आके आप डी फोर इंटू वन प्लस जी डिवाइडेड बाई आर एस माइनस जी करेंगे, तब भी आपके पास यही आंसर 33.43 डॉलर का ही अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है 9:14, ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, आप लोगों की बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, इसको सॉल्व करते हैं। वैसे सर ये चैप्टर 9 लास्ट होगा, इसके बाद और भी चैप्टर्स कराने हैं, मतलब ये लास्ट चैप्टर हमारा है, इसको एक और भी है, चैप्टर 8 भी है बेटा, लेकिन ये कि वो मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा। यह नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ है, कंप्यूटर कॉर्पोरेशन एक्सपेंडेड रैपिडली एंड करेंटली नीड्स टू रिटेन ऑल ऑफ इट्स अर्निंग, एक फर्म है जो कि एक्सपेंड हो रही है और उसको चाहिए, वो चाह रही है कि वो अपनी तमाम की तमाम अर्निंग को रिटेन करे, यानी कि डिविडेंड पे ना करे, हाउएवर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कंप्यूटर टू बिगिन पेइंग डिविडेंड्स बिगिनिंग विद अ डिविडेंड ऑफ 0.50 कमिंग 3 ईयर्स फ्रॉम टूडे, यानी आज से 3 साल के बाद एक्सपेक्टेड है कि ये फर्म कितना डिविडेंड देगी, 0.50 डॉलर। The dividend should grow rapidly at a rate of 35% per year during year 4 and 5, but after year 5, the growth rate should be a constant 7% per year if the required return is 13%, what is the value of stock today? समझ तो आपको क्वेश्चन की आगे होगी, अगर आपने गौर से पढ़ा है, इसकी बस एक बार टाइमलाइन बनाते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, फिर इसको सॉल्व भी करते हैं। एक फर्म है, अभी ईयर जीरो के ऊपर है, 4, यहां पर ग्रोथ रेट क्या है इसका, 0% है, 1 ईयर पे भी 0% है, 2 ईयर पे भी 0% है, 3 ईयर पे क्या है, 3 ईयर पे ग्रोथ रेट है सर, 3rd ईयर पे भी 0% है, देखिए वो गिवन है कि इसने थर्ड ईयर से तो डिविडेंड पे करना शुरू करना है, तो थर्ड ईयर तक क्या होगा, आपका ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है डिविडेंड का, थर्ड ईयर के ऊपर आपका डिविडेंड कितना बन जाएगा, 35%,
$0.50 आप डी थ्री कह रहे हैं बिगिनिंग विद अ डिविडेंड ऑफ 0.50 कमिंग 3 years फ्रॉम टूडे, यानी 3 साल के बाद आपको डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है मिलेगा 0.50, ठीक है, समझ गए बात। इसके बाद आपकी ग्रोथ कितनी एक्सपेक्टेड है 35% पर ईयर ड्यूरिंग, हाँ 35 ड्यूरिंग ईयर 3, 4 and 5, ठीक है, इन दोनों सालों में कितनी आपकी ग्रोथ होनी है 35% की, और 5 ईयर के बाद आपकी कांस्टेंट ग्रोथ है कितने परसेंट की 7% की, ठीक है। अब आपको D3 गिवन है, D4 फाइंड आउट आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। D4 क्या होगा, D3 into 1 plus G1, D3 कितना है 0.50 into 1.35, ठीक है, 0.5 into 1.35, 0.675 आपके पास आ गया D4 आ गया, ठीक है, 0.675 आपके पास क्या आ गया D4 आ गया, D4 कितना आया 0.675 आया था इनटू 1.35, ठीक है, तो इस 1.35 तो $0.91 आपके पास क्या आ गया D5 आ गया, पॉइंट। अच्छा इसके बाद आपके पास D6 भी आपको चाहिए, क्यों चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि 6 पीरियड में आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, तो D6 कितना बन जाएगा D5 इनटू 1 प्लस G, G1 आएगा कि G2 आएगा, G4 आएगा ना सर, सो गए मेरा बेटा, देखें ग्रोथ रेट पहले इनिशियल ग्रोथ रेट G1 होता है, नेक्स्ट ग्रोथ रेट G2 होता है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रोथ रेट G3 होता है। अब यहाँ पे क्या है G1 तो 35% ये ना इनिशियल ग्रोथ रेट बराबर था, ठीक है ना, G1 आपको पास सेम था, G2 आपके पास 7% है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 0.911 मल्टीप्लाई बाय 1. क्या होगा 35 होगा 07 होगा 07 ना सर 07 होगा, ठीक है, प्लस बन जाएगा 0.975 आपके पास आ जाएगा D6, 0.975 आपके पास आ गया D6। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपने D3 फाइंड आउट कर लिया, D4 लिया और D5 भी फाइंड आउट कर लिया, D6 आपने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि आपको P5 का क्या फॉर्मूला है, P5 is equal to P not D6, D6 divided by RS, RS minus G, D6 कितना है 0.975 और RS आपके पास कितना है, RS वो तो सर ऊपर लिखा हुआ था, तो गिवन है आपको 13% 13% जी, कांस्टेंट ग्रोथ रेट कितना है सर, वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट 7% है, 0.07 हो गया ना, ठीक है, तो आपके पास P5 क्या आ गया 0.13 माइनस आपके पास 16.25 डॉलर आपके पास क्या आ गया P5, ठीक है। अब ये नीचे वाली जो चीजें हैं इसको मूव कर सकते हैं, देख लीजिए
चलिए पाइपलाइन जो है ना, एक सॉरी पाइपलाइन में मुझसे बार बार निकल जाती है, टाइमलाइन जो है ना एक बार दोबारा हम बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए अपने चीज़ें क्या क्या पता करनी है आपको। ऊपर बनाई थी ना सर आपने टाइमलाइन। हाँ वो असल में मैं थोड़ा सा आपको उसमें समझाना चाह रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी मुझे दोबारा एफर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक कैश फ्लो मिलनी है $0.50 की, यहाँ पे आपको कैश फ्लो 0.675 डॉलर की डिविडेंड की, यहाँ पे आपको कैश फ्लो मिलनी है 0.911 की, और इसके बाद क्या मिलनी है $3.25। ठीक है, स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो आप जब इन जो फ्यूचर की कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो आपके पास स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये बताएं कि अब आपके पास D3 भी आपको मिल रहा है 0.50, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0.50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या, किससे इसका डिस्काउंट करेंगे, ग्रोथ रेट से कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से? ग्रोथ रेट से सर। नहीं बेटा, फिर लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हुई थी, देखिए ग्रोथ रेट का कंसर्न डिविडेंड के साथ है, जब आपने डिविडेंड फ्यूचर का फाइंड आउट करना है तब आप किसको यूज करेंगे, ग्रोथ रेट को, लेकिन जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप हमेशा किसको यूज करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आपके पास, 0.3। इसको रजिस्टर की पावर कुछ करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे? नहीं है। हाँ ना सर, वो पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड है ना। शाबाश, वेल डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह 0.675 की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 0.675 की 1 प्लस 0.13 ही आएगा क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये है, लेकिन रेशियो की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे दो कैश फ्लो स्ट्रीम्स है, 0.911 भी है, 16.25 भी है, मर्जी है आपने अलग अलग निकालनी है, अलग अलग निकाल लें, इन दोनों को जमा करके निकालना है तो इन दोनों को जमा करके निकालें, लेकिन ये कि इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आपको चाहिए 0.911 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.13 रेज टू द पावर 5 प्लस 16.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.13 रेज टू द पावर 5। ठीक है, इनका जो भी आंसर यहां पर आएगा उन सबको आप जमा करेंगे तो आपके पास अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, P नॉट इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, समझ में आ गई है ना। अब टाइमलाइन आपके सामने है तो टाइमलाइन से आपको क्लैरिटी आएगी कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, अगर आप टाइमलाइन नहीं बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में आपको किसी किस्म की क्लैरिटी भी नहीं आ सकेगी। टाइमलाइन को देखें, आपको पता चल गया कि पहले 3 ईयर में तो ग्रोथ ही कोई नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर के बाद एक्सपेक्टेड है 35% की, और फोर्थ ईयर में भी 35% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, फोर्थ ईयर के बाद आपको 7% की ग्रोथ चाहिए जो कि कांस्टेंट रेट हो। जब आपने ये सब डाटा टाइमलाइन बनाया, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बाद क्वेश्चन है नॉन कॉन्स्टेंट ग्रोथ का, इसमें ये बता रहा है कि एक फर्म है कांस कॉस्मेटिक कंपनी, स्टॉक प्राइस $30 है, रिसेंटली पेड अ $1 डिविडेंड। ठीक है, पी नॉट आपको बता देगी ये $30 है, डी नॉट आपको बता देगी ये $1 है। दिस डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 30% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए किस रेट पे ग्रो करेगा, 30% पे, देन ग्रो फॉर एवर एट अ कॉन्स्टेंट रेट जी एंड आर एस इज इक्वल टू 9%, यानी कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के बाद क्या होगा, ये आपका ग्रो करेगा कांस्टेंट रेट के ऊपर जो कि अननोन
known है और आज required rate of return है वो कितना आपके पास 9% है. At what constant rate the stock is expected to grow after year 3? अब आप लोगों ने find out basically क्या करना है, G find out करना है जो कि constant है, यानी कि G2, G1 तो आपको बता दिया गया है वो कितना है 30%, ठीक है. Technical question है थोड़ा सा, timeline again इसकी आपके पास आ जाएगी अगर, तो क्या बनेगी आपके पास कितने साल है, 3 साल तक इतनी सुपर नॉर्मल ग्रोथ शो करनी है 30% के ऊपर, 1, 2, 3 और फोर्थ ईयर के ऊपर आपके पास रेट जो है वो अननोन है. पहले साल भी 30% है, दूसरे साल भी 30% है, तीसरे साल भी 30% है और फोर्थ ईयर जो है जी जो है वो क्या है अननोन, ठीक है. आरएस आपको बता दिया गया है, आरएस आपके पास कितने है 9% है, ठीक है. और आपको क्या बताई गई है, पी नॉट भी बता दी गई है, प्रेजेंट स्टॉक की प्राइस भी बता दी गई है वो कितनी है, वो है $30, ठीक है. और इसके अलावा आपको क्या बताया गया है, आपको डी नॉट भी बताया गया है वो कितना है $1, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को देखें तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जी, पी नॉट आपके पास गिवन है, ठीक है, पी नॉट और डी नॉट भी गिवन है, डी नॉट से डी वन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डी टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डी थ्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 3 पीरियड्स का आप डिविडेंड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो 3 पीरियड का पहले डिविडेंड फाइंड आउट कर लें, डी वन कितना बन गया 1 × 1+0.3 आ जाएगा, जी सर 1+0.3 आ जाएगा, तो कितना हो गया 1.30 जी सर 1.30. अच्छा डी वन आपको पता चल गया 1.3, डी टू कितना है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1+0.30, ठीक है, कितना आ गया आंसर 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो 1.69 आपके पास आ गया डी टू. और डी थ्री आपके पास क्या आया, (1.69)×(1+0.30), तो कितना आ गया 0.197 आ गया. ठीक है, तो ये आपके पास डी थ्री, ये 3 पीरियड का आपके पास क्या आ गया डिविडेंड आ गया. फोर्थ पीरियड का डिविडेंड आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि जी यहाँ पे क्या है अननोन, ठीक है ना. अब अगर आपने जी फाइंड आउट करना है तो जी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि पी थ्री क्या है, पी थ्री का क्या फॉर्मूला, पी थ्री इज इक्वल टू डी थ्री इंटू डिवाइडेड बाय आर एस. अब आपको पी थ्री पता है नहीं पता ना, ठीक हो गया जी. आपको जी पता है, जी भी नहीं पता, ठीक है. डी थ्री आपको सिर्फ पता है इस पूरे क्वेश्चन में और आर एस पता है जी. अब आप इस टाइम लाइन को देखिए और आप मुझे बताएं कि आप क्या पी थ्री फाइंड आउट कर सकते. जब आपने किसी भी स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हैं, तमाम के तमाम फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट, ठीक है. अब इस स्टॉक की आपने थर्ड ईयर में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, तमाम के तमाम जो कैश फ्लो है उसको थर्ड ईयर तक कंपाउंड कर लेंगे. बात समझ में आई है मेरी, ऐड इसकी मैं टाइमलाइन बताता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए. मैं आपको बताता हूं जी जी सर, ईयर 1, 2, 3 ईयर 1 ईयर 0 पे आपके पास क्या है $30 प्राइस है इस शेयर की, ठीक है जी जी, ऐसा ही है ना. और इसके साथ क्या है आपके पास ईयर 1 पे क्या है, ईयर 1 पे डी 1 आपने कितना किया था 1.30 ईयर 2 पे क्या आप कितना 1.69 जी सर, ठीक है. और ईयर 3 पे आपने कितना कैलकुलेट किया था 2.197 आपने कैलकुलेट किया, ठीक है. तो अगर आप इसकी भी फ्यूचर वैल्यू निकाल लें, इसकी भी फ्यूचर वैल्यू निकाल लें और इसकी भी फ्यूचर वैल्यू निकाल लें और ये सब के सब एडअप कर लें
तो आपके पास क्या वन टू और थ्री थर्ड ईयर की प्राइस आ जाएगी ना जी जी बात समझ में आ रही है फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे 30 की फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी 30 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आरएस आरएस कितना है फ्यूचर वैल्यू आरएस क्वेश्चन में गिवन है 9% है 9% ईयर कितने 30 की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं थर्ड ईयर पे तो ईयर कितने आएंगे 3 ठीक है जी सर ठीक है हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं ना आज से 3 साल के बाद तो कंपाउंड करना है 3 पीरियड्स के लिए रेट क्या है 0.099% है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.09 इसी तरह 1.3 की फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी 1.30 इनटू 1 प्लस 0.09 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी कितने पीरियड्स हैं 1.30 है ना 1.30 के पीरियड्स गिने 1.30 के लिए यहाँ से पीरियड आप गिनेंगे ना अब आपके पास ये स्टार्टिंग पीरियड है ना एक पीरियड है 2 और सेकंड पीरियड है 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट कितने टाइम कंपाउंड करेंगे 2 टाइम ठीक है 1.64 को कितने टाइम कंपाउंड करेंगे 1 प्लस 0.09 रेज टू द पावर क्या 3 सर 3 क्यों करेंगे मेरा बेटा अब आप देखो ना आप 1 करेंगे रेज टू द पावर 1 हो जाएगा और 2.197 क्या हो जाएगा 2.1797 क्योंकि आप मौजूद ही थर्ड ईयर पे है तो 1.09 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा ठीक है सर वो हां हम उस थर्ड ईयर में हां बिल्कुल अब इन सब को आप लोग जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जो भी इसका आंसर है तो आपके पास P3 आ जाएगा जब आपके पास P3 आ जाएगा P3 आपने फाइंड आउट कर लिया D3 आपको पता है RS आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप G के लिए इजीली सॉल्व कर सकते ऐसे ही है ना हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर हो जाएगा इंशाल्लाह इसके बाद है जी कांस्टेंट ग्रोथ का क्वेश्चन है आप अकेली हो कोई और भी जगह है मैंने तो सच्ची बात है लिस्ट देखी नहीं है अकेली सर आप अकेले ही हो हाँ सर और भी हैं कोई मेंबर अस्सलाम वालेकुम सर सर और भी मौजूद हैं सर हाँ मैंने कहा शायद सारे सो गए मेरा ख्याल है कि सर अभी अटेंडेंस सर टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन योर ब्रोकर ऑफर्स टू सेल यू डर गए सर सारे आप सवाल ना पूछ के नहीं डरने की तो कोई बात नहीं बेटा सवाल पूछोगे तो समझ आएगा नहीं पूछोगे तो नहीं भाई सर पूछेंगे नहीं तो फिर पेपर में परेशान होंगे अभी से परेशान हो जाए पूछना तो है ही बिल्कुल कुछ ना कुछ समझ तो आ जाएगी मैं कोई इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछता मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे वरना मुझे क्या शौक है पूछने का मैं भी आपको यहां पे सारी की सारी सॉल्व करवा के तो क्वेश्चन निकल जाऊंगा अच्छा योर ब्रोकर ऑफर्स टू सेल यू सम शेयर्स ऑफ बेंसन एंड को ठीक है common stock that paid a dividend of $2 yesterday ठीक है एक कंपनी है जिसने $2 yesterday अपना डिविडेंड दिया था यानी कि ये कौन सा है डी नॉट है डी वन है ये है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है डी नॉट ठीक है बेंसन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये डिविडेंड एक्सपेक्टेड है ग्रो करने पर किस रेट के ऊपर 5% पे नेक्स्ट 3 ईयर के लिए If you buy the stock and you plan to hold it for 3 years and then sell it, the appropriate discount rate is 12%. जो discount rate है, वो कितना है? 12% है. Growth rate कितना given है? 5%. ठीक है? 3 साल तक growth rate आपको बता दिया गया कि 5% है और आपने जो discount rate आपको दिया गया है वो 12% है. यानी कि required rate of return है आपके पास 12%. 3 साल तक आपने इसको hold करना है. सबसे पहला question है, find the expected dividend for each of the next 3 years. That is कैलकुलेट D1, D2 एंड D3 ये तो आपको बिल्कुल पहले सवालों से पता चल जाना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है 2 × 1 प्लस 0.05 आ जाएगा D1 के लिए फिर इसके बाद D2 के लिए 1 प्लस 0.05 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा D3 के लिए 1 प्लस 0.05 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा गिवन दैट द फर्स्ट डिविडेंड पीरियड विल अकर 1 ईयर फ्रॉम नाउ फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड स्ट्रीम दैट इज Calculate the present value of D1, D2 and D3 and then sum these PVs. ये भी आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन
बार इसको हम देख लेते हैं, अगर तो इसमें आगे कोई टेक्निकल चीज आए इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ स्टॉक 3 ईयर फ्रॉम नाउ टू बी $34.73। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस की प्राइस जो है आज से 3 साल के बाद कितनी होगी, 34.73। Discount at a 12% rate, but is the present value of expected future stock price in other words calculation, और उसने कहा कि इसकी present value निकाल दें। If you buy, plan to buy the stock for 3 and then sell it for 34.73, what is the most you should pay for it today? ठीक है, तो जो present value आपने ऊपर calculate की है B और C part में, उनको add up करने के बाद जो value बन रही है उतना आप इस stock के लिए pay करने के लिए willing होंगे। ठीक है, बातों की समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो क्वेश्चन करवाया, तो इसमें कोई इसमें परेशानी वाली कहानी कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद उसने कहा कि यूज इक्वेशन 9.2 टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक अज्यूमिंग दैट जी इज इक्वल टू 5% एंड दैट इट इज कॉन्स्टेंट। अब इसने आपको ई पार्ट में कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज करने की का ऑर्डर कर दिया है कि जी आप वो यूज कर लें, क्योंकि इसमें जी जो है ना 5% और वो कॉन्स्टेंट है। आपने जो यहाँ पर आंसर आएगा वो असूलन वही आंसर होना चाहिए जो बी और सी पार्ट को ऐड करने के पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, और फाइनली फाइनल पार्ट है, इज द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक डिपेंडेंट अपॉन हाउ लॉन्ग यू प्लान टू होल्ड इट, इन अदर वर्ड्स इफ यू प्लान होल्डिंग पीरियड वाज 2 इयर्स और 5 इयर रादर देन 3 इयर्स, वुड दिस इफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्टॉक टूडे, पी नॉट एक्सप्लेन। इसका आंसर जो है ना आप लोगों के समझने के लिए, अगर इस स्टॉक की ग्रोथ कॉन्स्टेंट है, ठीक है, स्टॉक की ग्रोथ कांस्टेंट है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज नहीं होता, ठीक है ना, तो आप इसको 2 इयर्स के लिए रखें या 5 इयर्स के लिए रखें, आपको जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसका फर्म का ग्रोथ रेट चेंज हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है ना, देन क्या होगा, तब आपके पास आपका ये डिसीजन जो है वो इफेक्ट कर सकता है, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तब आपको क्या होगा, इस स्टॉक की जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है वो इफेक्ट हो सकती है। ठीक है बच्चों, सारा मैंने आपको जबानी वैसे पढ़ा दिया, लेकिन आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है कि जो आप लोगों को परेशान करे। हर चीज इसमें आपको घोल के पिलाई गई है जो पहले आप लोग करते आए हैं, कोई नई चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं बताई गई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चले मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक नमाज की ब्रेक कर लें, मैं भी थोड़ा सा हलक शलक गीला कर लूं, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सर, ओके बेटा।